गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नमस्कार पेरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर ग्रामर सेशन, इंग्लिश ग्रामर सेशन। ओके, एंड इट इज़ ऑफ वॉज एंड वर। अब वॉज एंड वर आप बोलोगे मैम ग्रामर में क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालो, ठीक है, क्लास सेकेंड, एंड पेज नंबर 4747 वॉज एंड वर इज़ द चैप्टर। नाउ इट्स सेइंग words was and were are used to talk about yesterday. Look at the sentences given below. You can better understand where we use was and were. Okay? अब was और were हम कब शुरू करते हैं? अब उसमें बोला है was and were हम तब करते हैं जब हम किसी past tense के बारे में बात करें, यानी कि कभी हमारा पहले, जैसे yesterday की बात करें, कल हुआ, हम बोलेंगे ना yesterday I was इन दिल्ली, यानी कि कल मैं दिल्ली में थी, वॉज। या वी कैन टॉक अबाउट दैट वी वर इन पंजाब यस्टरडे। वी वर यानी कि हम सब कल पंजाब में थे, ठीक है, वॉज एंड वर। आप क्या बोलते हैं, जैसे कि I was in a restaurant yesterday. मैं एक रेस्टोरेंट में था कल। He was a real king. वो क्या है, एक real king है। I have a pet dog, but it was in the kennel yesterday. मेरे पास एक पालतू कुत्ता यानी कि pet dog है, जो मैं जैसे घर में रखते हैं pet animals, but it was इन कैनल yesterday, कल वो अपने कैनल में था, अपने हाउस में था। मोहन was at his granny house last night. मोहन कहाँ था, वो अपनी ग्रानी के घर पे था last night, कल रात को वो अपनी नानी के घर था, अपनी ग्रानी के घर था last night. ओके, अब आ रहे हैं हम, we use was with the following of singular. वॉज किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो मेरा, ठीक है, आई वॉज इन पंजाब यस्टरडे, कल मैं पंजाब में थी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं यानी कि महिमा। तो आप अपना नाम लेके भी बुला सकते हो। अब आप किसी को एक्सप्लेनेशन दोगे किसी चीज़ का तो कैसे दोगे, नाम लेके बताओगे, बताओगे कि नहीं बताओगे, आप उस चीज़ को बताओगे नाम से। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ को डिपेक्ट करेंगे सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन से, जैसे कि पर्टिकुलर, जो कुछ भी पर्टिकुलर हो उस चीज़ से। जैसे कि इसने बोला मोहन वॉज एट हिज ग्रैनी हाउस लास्ट नाइट, यानी कि मोहन अपनी ग्रैनी के घर था लास्ट नाइट पे, ठीक है। नाउ कमिंग टू I, he, she, it, मोहन, महक, किसी सिंगुलर पर्सन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अपने बारे में बताया महिमा के बारे में, ठीक है। अब हम वी की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास, अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ हो सकती है वर में। वी वर इन अ पार्टी यस्टरडे, वी वर इन अ पार्टी यस्टरडे यानी कि हम लोग पार्टी में थे यस्टरडे। यू वर रियली ब्रेव, दे वर गुड फ्रेंड्स, boys were playing chess yesterday, girls were very friendly with one another. अब जैसे कि आपको पता है कि हम where किसके बारे में, जो हम were कर रहे हैं use, वो plural होता है, ठीक है, plural यानी कि एक से ज़्यादा इंसान। अब जैसे कि प्रियंका मैम आप आ जाओ मेरे साथ यहाँ पर, जैसे मैम है हमारी, ठीक है, अब हम दोनों आ गए हैं साथ में, ठीक है, मैं मैम भी आ गई है और मैं भी आ गई हूँ, तो हम दोनों क्या हो गए, वर। अब मैं ये बोलूँगी वी वर इन पार्टी यस्टरडे, यानी कि हम दोनों, हम दो की बात करें प्लूरल हो गया, तो वी वर लगाऊंगी, इन अ पार्टी यस्टरडे। अभी तो हम यस्टरडे में ही चल रहे हैं, ठीक है, अभी सिर्फ मैंने बोला आई वॉज इन पंजाब यस्टरडे, मैं पंजाब में थी कल, लेकिन अब मैं क्या बोल रही हूँ, वी वर इन अ पार्टी यस्टरडे, यानी कि हम दोनों कल पार्टी में थे। तो कितने जने, वन टू, तो दो, वन से ज़्यादा पर्सन हो गए। अब मैं किसी और को भी, अपने फ्रेंड को बुलाऊंगी, तो कितने हो जाएंगे, वर। थैंक यू मैम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या एक्सप्लेनेशन किया है, जब हम वन पर्सन से ज़्यादा बात करें हैं,
सिंगुलर की बात थी तो सिर्फ मेरी थी, और प्लूरल की बात थी तो मैं और प्रियंका मैम मेरे साथ आ गए थे, तो हम दोनों की बात हो गई थी। तो हम क्या थे, हम कल पार्टी में थे, हम दोनों थे पार्टी में, इसलिए मैंने क्या लगाया, वी वर, हम, और हम कहाँ थे कल, पार्टी में थे यस्टरडे। तो इसी तरीके से आपको अपने सारे एक्सरसाइजेस करनी है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, वी यूज वर विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अब वर हम किस किस के साथ यूज करते हैं, जब आपने, आपको याद है मैंने आपको इससे पहले कुछ कोट्स बताए थे जिसमें हमने बताया था कि सिंगल पर्सन के लिए क्या यूज़ करते हैं, और जब एक से ज़्यादा होते हैं तो प्लूरल में क्या यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं बुक, हम बोल रहे हैं बुक, और यहाँ इतनी सारी बुक्स हैं तो क्या हो जाएगा, बुक्स। तो जब अभी तो हम सिर्फ सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारी बुक के बारे में बोला है, और बहुत सारे हैं तो बुक्स के बारे में। इसी तरीके से, लेकिन ये सारी चीज़ें वॉज एंड वर कब लगती हैं, पास्ट टेंस में, जो हो चुका है, जो अभी चल रहा है वो नहीं, और जो होने वाला है वो नहीं, जो पहले हो चुका है, यानी कि यस्टरडे की बात करें। आपने अभी पढ़ा ना यस्टरडे एंड टुडे, यानी कि कल और आज। तो इसी चीज़ को हमने आगे अपने पास्ट किया है, इसमें भी वॉज एंड वर का लगाया है। वॉज सिंगुलर पर्सन के लिए और वन पर्सन के लिए, जो सिर्फ सिंगल है, वन पर्सन, जिसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, आई टोल्ड यू आई ही शी, ठीक है, आई ही शी, मैं आई के लिए यूज़ करेंगे, ही किसी लड़के के लिए, शी किसी लड़की के लिए, और यानी और बाकी नेम्स, जैसे कि मैंने बोला महिमा, ठीक है। और वर में कितना, एक से ज़्यादा, तो जैसे कि वी, ठीक है, दे, टी एच ई वाई दे, और आप पर्सन के नेम भी ले सकते हैं, उसमें भी बोल सकते हैं, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, दोस बॉयज वर इन वाटर यस्टरडे, यानी कि वो वाटर बीच में थे कल, ठीक है। उस चीज़ को हम जो डिपेक्ट करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, वी यू दे बॉयज गर्ल राजू रेखा प्लूरल, ठीक है, जितने भी हैं हम प्लूरल टेंस में बात कर रहे हैं। जैसे कि इसमें यहाँ एक एग्जांपल है, बॉयज़ वर प्लेइंग चेस यस्टरडे, बॉयज़ कल कहाँ क्या कर रहे थे, चेस खेल रहे थे। गर्ल्स वर वेरी फ्रेंडली विद वन अनदर, ओके। नाउ कमिंग टू द टिक द करेक्ट आंसर इन द वर्ड्स गिवन इन द सेंटेंसेस, ओके, सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं उसके लिए। द ओल्ड मैन डैश वेरी वीक, ओल्ड मैन, एक ही पर्सन के बारे में आप बात करें, वॉज वीक, ये वॉज वेरी वीक। नेक्स्ट इज व्हेन आई विजिटेड देम इट डैश रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, जब मैंने विजिट किया था तो इट वॉज रेनिंग। लीला डैश सिक, लीला वॉज सिक, सो हर पेरेंट्स वरिड, तो सो हर पेरेंट्स वर वरिड अबाउट इट, पेरेंट्स की बात करी, मम्मा पापा पेरेंट्स होते हैं ना, दोनों को कहते हैं ना मम्मी पापा, क्या होते हैं वो, पेरेंट्स होते हैं, तो उन पेरेंट्स की जब बात करें हैं तो वर आ गया, ओके। तो फिर दिस यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इन बुक इटसेल्फ। कमिंग टू एक्सरसाइज बी, साहिल डैश इन पार्टी विद हिज फ्रेंड्स, साहिल वॉज इन अ पार्टी विद हिज फ्रेंड्स। गोपी डैश अ नॉटी बॉय इन हिज चाइल्डहुड, गोपी वॉज अ नॉटी बॉय इन हिज चाइल्डहुड। मिसेस रेखा एंड हर सन वर इन द मॉल, मिसेस रेखा यानी कि रेखा एक पर्सन और उसका सन यानी कि उसके बेटे, तो कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो क्या आएगा, वर, ओके। सो यू विल डू एक्सरसाइज बी, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इन बुक एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इन कॉपी, ओके चिल्ड्रन, थैंक यू क्लास।